अंकिता तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपने पीछे कई सवाल और कई राज छोड़ गई। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देवभूमि में लोग सड़कों पर हैं, आक्रोश जता रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि आरोपी रसूखदार है, इसलिए मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अंकिता को जश्न फरोशी के दलदल में धकेलने की पूरी कोशिश की गई। अंकिता के कुछ चैट से ये भी पता चलता है कि आरोपी पुलकित की उस पर गंदी नजर थी, लेकिन अंकिता डरने वालों में से नहीं थी। उसने आवाज उठाई और इस गंदे काम को करने से मना कर दिया, जिसकी सजा के तौर पर अंकिता को मौत मिली। उधर रिजॉर्ट में काम कर चुकी महिला कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों से बदसलूकी करते थे। पूर्व कर्मचारी ने कहा कि मैंने वनतारा रिजॉर्ट मई में ज्वाइन किया था, लेकिन जुलाई में नौकरी छोड़ दी थी। पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों से बदसलूकी करते थे और उन्हें अपशब्द भी कहते थे। वे रिजॉर्ट में लड़कियां लाते थे, वहां वीआईपी भी आते थे। वो मुझे भी पति से अलग कर अपने रूम में बुलाना चाहता था। जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी, और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया, तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़की आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गांजा वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के तब इम्प्लॉय में नाम लगाता था कि इम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में कई पहलू गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना के 4 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आए, क्योंकि पुलिस ने उनकी तलाश ही नहीं की। अंकिता का फोटो वायरल होने के बाद लोग सड़कों पर उतरे, तो पुलकित के परिवार ने ही उसे बचाने के लिए पुलिस को सौंपा, जिसके बाद अंकिता का शव मिला। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स काफी ज्यादा सक्रिय दिखी, वो है भाजपा की महिला विधायक। रिजॉर्ट से लेकर मोर्चरी तक उनकी मौजूदगी से सवाल उठे, जिसके बाद लोगों में आक्रोश आ गया, और जब उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई तब जाकर वो हटे। सवाल सिर्फ महिला विधायक को लेकर ही नहीं, बल्कि सवाल रिजॉर्ट में आगजनी को लेकर भी उठे हैं। बता दें कि अंकिता के पिता ने आरोप लगाया था कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर वहां मौजूदा सबूत मिटाने की कोशिश की गई, तो पूछे जाने पर सरकारी अफसरों ने रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश देने की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद ये बात भी निकलकर सामने आई कि वहां से सारे सबूत पहले ही जुटा लिए गए हैं, इसके बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। अंकिता की हत्या का मामला वेबसाइटी देख रही है, लेकिन केस दर्ज करने से लेकर जांच तक में लेट लतीफी और गैर जिम्मेदारी से जुड़ी ऐसी कई कड़ियां हैं जिनके जवाब ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन के पास है। इस पूरे मामले पर कई सवाल हैं जिसके जवाब ना तो पुलिस दे रही है और ना ही इस इन्वेस्टिगेशन से लोगों को तसल्ली हो रही है। अंकिता को जिस वीआईपी को खुश करना था, उसके नाम का जिक्र क्यों नहीं? जैसा कि अंकिता के व्हाट्सएप चैट से सामने आया था कि वो अपनी दोस्त को बताती है कि कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है, रिजॉर्ट मालिक पुलकित कह रहा है कि गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, इसके 10,000 रुपए मिलेंगे, जिससे अंकिता ने साफ मना कर दिया। पुलिस जांच में भी अभी तक ये नहीं आया कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था। अंकिता ने दोस्त को बताया कि वो गेस्ट पहले भी कई बार रिजॉर्ट में आता रहा है। जिसने वीआईपी के लिए बुक कमरे में सबसे पहले आग लगाई, उसका कुछ अता पता नहीं। अंकिता की मौत के बाद लोग रिजॉर्ट के बाहर विरोध कर रहे थे, तब भाजपा विधायक भी वहीं थी। ये वही भाजपा विधायक है जिनका जिक्र पहले भी हमने किया। इसी बीच रिजॉर्ट में आग लगाने की खबर सामने आई और सबसे पहले उस कमरे में आग लगाई गई जो वीआईपी गेस्ट के लिए बुक था। आगजनी किसने शुरू की ये कोई नहीं जानता, वो वहां ठहरा या नहीं इसका भी पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले में ये भी कहा गया कि फॉरेंसिक टीम कमरे में जांच के लिए 26 सितंबर को पहुंची, जबकि इसे शनिवार को ही खत्म कर दिया गया। हालांकि पौड़ी के एसएसपी शेखर सियाल का दावा है कि उनकी टीम ने 22 सितंबर को ही रिजॉर्ट की वीडियोग्राफी कर ली थी। 5 दिन पानी में शव क्यों नहीं फूला और उसे न नुकसान पहुंचा? पुलिस के मुताबिक अंकिता की हत्या 19 सितंबर को हुई, शव 24 सितंबर को बरामद हुआ था, वो भी उसी जगह जहां से फेंका गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि बहती नहर में 5 दिन तक शव एक ही जगह कैसे पड़ा रहा, उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, शव फूला क्यों नहीं, जो कि अक्सर ऐसा ही होता है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो अंकिता के शरीर पर चोटें थी, खून बहा था, एक दांत भी टूटा था, तो फिर 5 दिन तक मशीन ने शव को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, यानी हत्या का समय भी संदिग्ध है। वहीं जिस मॉर्चरी में शव, वहां परिवार से पहले विधायक क्या कर रही थी?
भाजपा विधायक मोर्चरी में भी परिवार से पहले पहुंच गई थी। शव 24 सितंबर को बरामद हुआ। इस सूचना के बाद अंकिता के पिता और भाई नहर पर गए, लेकिन उन्हें शव देखने के लिए नहीं दिया गया। शव ऋषिकेश एम्स की मोर्चरी में रखा गया। कुछ देर बाद जब परिवार मोर्चरी पहुंचा तो विधायक रेणु बिष्ट वहां पहले से मौजूद थी। बुलडोजर चलने पर चुप्पी क्यों? शुक्रवार की रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, कुछ दीवारें गिराई गई, हालांकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सुरक्षित रहा। जिस समय ये घटना हुई तब भी भाजपा विधायक वहीं थी। वह इस घटना से 24 घंटे के बाद अंकिता के परिवार ने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद डीसी और एसडीएम ने कहा कि उन्होंने बुलडोजर चलाने के आदेश नहीं दिए। अब इस बात की जांच हो रही है कि आखिर बुलडोजर किसने चलवाया। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। लौटते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। इस दौरान अंकिता ने रिजॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध किया। उसने धमकी भी दी कि वो सभी को यहाँ चलने वाली अनैतिक गतिविधियों के बारे में देगी। इस बात से गुस्साए पुलकित तो उसके साथियों ने लड़की को नहर में धकेल दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंकिता के गांव में अभी महज 50 लोग रहते हैं। 20 साल पहले यहां की आबादी करीब 200 थी। रोजगार की तलाश में पलायन वो कर गए। अंकिता का भी यही मानना था कि बाहर निकलकर वो काम करेगी। अंकिता का परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी इसी गाँव में रहते हैं। वो भी परिवार की मदद करना चाहती थी, इसलिए 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम के लिए ऋषिकेश आ गई। पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता की जिंदगी को खत्म कर दिया गया। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर राजनीति भी तेज है। जैसा कि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा विधायक वहीं थी, इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले रिजॉर्ट में मर्डर हुआ है। हमारा आरोप है कि कई रसूखदार लोग लगातार रिजॉर्ट में आ रहे थे, जिसके लिए सबूतों को मिटाया गया। पुलिस ने रिमांड लेने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, क्यों? बीजेपी की महिला नेत्रियों ने अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? बड़े व्यक्ति के आने पर एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए फोर्स किया जा रहा है और मैं गलत जगह फंस गई हूँ, मुझे डर लग रहा है। और उसके बाद उस बिटिया की हत्या हो जाती है। 18 तारीख को बेटी गायब होती है और 21 तारीख तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जिसमें पुलिस की भूमिका, पटवारी की भूमिका संदिग्ध है। और जिस तरीके से प्रशासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश पर या विधायक के आदेश पर, जो भी आप कहें, आदेश पर जिस तरीके से वहाँ डोजर चलाया है और उस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया है, आगजनी की गई है, हमारा संकेत सीधा सीधा आरोप है कि सबूतों को नष्ट करने की नीयत से ये सब किया गया है। और उस VIP को बचाने के लिए कार्रवाई हुई है। BJP से संबंध रखने वाला व्यक्ति है जिसका रिजॉर्ट है। इस पूरे मामले पर अपने आप को घिरता देख बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जांच के लिए सुझाव दे सकती है। इस मामले की SIT जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर कांग्रेस इस मामले में जाँच के लिए सुझाव देना चाहती है तो वो बेशक दे सकती है। मेरा विपक्ष से अनुरोध रहेगा, जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जांच सही दिशा में हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि घटना जो अपराधी हैं उनको किसी भी शर्त में बख्शा नहीं जाएगा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये जांच जो चल रही है सही दिशा में चल रही है, अपराधियों को सजा मिल के रहेगी, ऐसा हम सबको उम्मीद है। और किसी प्रकार इसमें राजनीति विपक्ष न करे और उनको किसी प्रकार की अगर कोई सुझाव या शिकायत उनकी है तो SIT को अपनी बात को बताना चाहिए। तो वहीं अंकिता के पिता चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे अपने साथ कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जिसके जवाब पीड़ित परिवार के साथ साथ हर एक शख्स चाहता है, जिनके घरों में माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, क्योंकि ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मंत्री का बेटा है, इसलिए जांच में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी अंकिता को इंसाफ मिल पाएगा।